हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम आपको सोमनाथ के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। आशा करती हूँ कि जो शिवजी का सच्चा भक्त होगा उसको जरूर यह वीडियो पसंद आएगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है, जो वेरावल के पास स्थित है। गुजरात में स्थित यह ज्योतिर्लिंग हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस सोमनाथ के वीडियो में हर बार की तरह इस बार भी हम आपको टूर गाइड के साथ साथ वीडियो में होटल, फ्लाइट, बस की डिस्काउंट ऑफर के बारे में भी जानकारी देंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप वीडियो को पूरा देखें और साइटसी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं कि सोमनाथ हमें कैसे जाना है, सोमनाथ में कहाँ रुकना है, सोमनाथ में हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, सोमनाथ में हमें कब जाना चाहिए, कितने दिन आपको रहना चाहिए, सोमनाथ में क्या खाना चाहिए। इस सोमनाथ के वीडियो में आपको यह सारी बातों को विस्तार में बताऊंगी, ताकि अगर आप कभी भी सोमनाथ घूमने जाना चाहे तो आपको टूर में मजा आए और आप अच्छे से घूम पाए, वो भी कम से कम बजट में। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सोमनाथ हमें कैसे पहुँचना है। तो हमारे पास तीन विकल्प है। पहला विकल्प है कि आप बाय रोड जा सकते हैं, खुद की कार से, या फिर आप बस से भी सोमनाथ जा सकते हो। आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो। आखिर में तीसरा विकल्प है कि आप बाय प्लेन जा सकते हो अगर आपके पास ज्यादा बजट हो तो। सोमनाथ का निकटतम हवाई अड्डा दीव हवाई अड्डा है, जो सोमनाथ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। आप दीव से सोमनाथ जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए सोमनाथ पहुंचने के लिए तो हमें कमेंट लिखकर बता सकते हो। तो अब बात करते हैं कि सोमनाथ में आप कहां कहां रुक सकते हैं, जिसे आपको घूमने में भी आसानी हो और सब फैसिलिटी भी मिल जाए। आप वहां पर बजट फ्रेंडली टूर करना चाहते हो तो धर्मशाला या फिर ट्रस्ट के गेस्ट हाउस में रुक सकते हो, और अगर लग्जरी होटल में रुकना चाहते हो तो आप लॉर्ड्स इन सोमनाथ, रीजेंटा सेंट्रल सोमनाथ, द फर्न रेसिडेंसी सोमनाथ, सरोवर पोर्टिको सोमनाथ और होटल सोमनाथ सागर में रुक सकते हैं। होटल की डिटेल में जानकारी और डिस्काउंट ऑफर के बारे में जानना है तो नीचे दी गई लिंक पर वो आपको मिल जाएगी। अब आगे बात करते हैं हमें सोमनाथ कब आना चाहिए और कितने दिन रुकना चाहिए। सोमनाथ घूमने के लिए सितंबर से मार्च सबसे अच्छे महीने हैं। सोमनाथ एक पवित्र तीर्थ स्थल है और यहाँ पर घूमने के लिए एक दिन काफी है। तो चलो दोस्तों, अब आगे सोमनाथ में घूमने के स्थान के बारे में बात करते हैं। आप सोमनाथ घूमने के लिए सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संचालित सोमनाथ तीर्थ दर्शन बस से जा सकते हो, जिसकी टिकट 20 रुपीस पर पर्सन है, या फिर आप ऑटो रिक्शा भी किराए पर ले सकते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर एक से, जो है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों में से पहला है। यह गुजरात के पश्चिमी तट पर स्थित है और देश के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मंदिर कपिला, हिरण और सरस्वती के संगम पर स्थित है। मंदिर में जाने से पहले आपको बता दें कि मंदिर में मोबाइल, कार की चाबी, चमड़े की बेल्ट पहनने या अपना पर्स अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। ये सब आपको मंदिर के बाहर लॉकर में रखना पड़ेगा। अगर आप आरती में सम्मिलित होना चाहते तो आरती का टाइमिंग सुबह 7 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे का है। मंदिर में रात को 7:45 को लाइट एंड साउंड शो होता है, उसमें भी आप जा सकते हो। नंबर दो पर है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट तीन नदियों हिरण, कपिला और सरस्वती का मिलन स्थल है। ऐसा माना जाता है कि त्रिवेणी संगम में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और भगवान के साथ विलय करके मोक्ष की सुविधा भी मिलती है। नंबर तीन पर है भालका तीर्थ। भालका तीर्थ मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान था जहां शिकारी जरा ने गलती से भगवान कृष्ण के चरणों में एक तीर मार दिया था, जिसके कारण भगवान ने अपना सांसारिक अस्तित्व अपने स्वर्गीय निवास के लिए छोड़ दिया था। बाण का अर्थ भाल के नाम से जाना जाता है, इसलिए इस तीर्थ को भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। मंदिर के अंदर कृष्ण की बांसुरी बजाते हुए एक मनभावन मूर्ति है। नंबर चार पर है श्री राम मंदिर। यह सोमनाथ के शानदार मंदिरों में से एक है।
मंदिर का निर्माण श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा 2017 में किया गया था। मंदिर सोमनाथ और उसके आसपास के धार्मिक स्थलों की श्रृंखला में सबसे नया है। मंदिर सुशोभित है और गर्भगृह में भगवान राम, सीता देवी और भगवान लक्ष्मण की कलात्मक मूर्तियां हैं। नंबर 5 पर है प्रभास पाटन संग्रहालय। प्रभास पाटन संग्रहालय गुजरात 1951 में स्थापित किया गया था। 3 प्रमुख श्रेणियों में लगभग 3,500 वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। इनमें कला और पुरातत्व की वस्तुएं और प्राकृतिक इतिहास के कुछ नमूने शामिल हैं। पत्थर की मूर्तियों और पत्थर के शिलालेखों के लिए प्रसिद्ध हैं। नंबर 6 पर है सोमनाथ बीच। सोमनाथ बीच अपनी चमचमाती लहरों, साफ पानी और महीन रेत के लंबे खंडों के लिए जाना जाता है। समुद्र तट का दृश्य शानदार है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सोमनाथ समुद्र तट तैरने के लिए आदर्श नहीं है क्योंकि लहरें बहुत ऊंची और हिंसक हैं। समुद्र तट पर ऊंट की सवारी का आनंद लिया जा सकता है। अब नंबर 7 पर आता है पंच पांडव गुफा। पंच पांडव गुफा को हिंगलाज माता मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। सोमनाथ में पंच पांडव गुफा की खोज 1949 में स्वर्गीय बाबा नारायण दास ने की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान यहां मां हिंगलाज की पूजा की थी। गुफा में पांडव भाइयों को समर्पित एक मंदिर है। नंबर 8 पर है गीता मंदिर। पौराणिक कथाओं के अनुसार गीता मंदिर ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां भगवान श्री कृष्ण ने देहोत्सर्ग में निज धाम की यात्रा से पहले भालका तीर्थ से त्रिवेणी तीर्थ तक चलने के बाद विश्राम किया था। द्वापर युग के अंत में एक बाण लगने के बाद यह घटना घटी और भगवान कृष्ण इस स्थान से स्वर्ग चले गए। श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान लीला की दिव्य स्मृति को चिन्हित करने के लिए यहां भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह उकेरे गए हैं। नंबर 9 पर है कामनाथ महादेव मंदिर। कामनाथ महादेव मंदिर 200 साल पहले राजा मयूरध्वज द्वारा निर्मित एक विशाल मंदिर परिसर है। मुख्य देवता कामनाथ का एक विशाल मंदिर कई छोटी संरचनाओं से घिरा हुआ है। परिधि के अंदर 2 विशाल जल निकाय हैं, एक पवित्र तालाब जिसे दुधियु तालाब के नाम से जाना जाता है। भारत के कोने कोने से भक्त श्रावण के महीने के अंत में इस स्थान पर आते हैं जब इस पवित्र काल की परिणति को चिन्हित करने के लिए एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है। नंबर 10 पर है गोलोक धाम तीर्थ। इस स्थान को श्री कृष्ण निज धाम प्रस्थान तीर्थ या देहोत्सर्ग तीर्थ कहा जाता है। यहाँ एक प्राचीन गुफा भी है जिसे बलदेव गुफा के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी ने भी यहां से अपने मूल नाग रूप में अंतिम यात्रा की थी। अब आगे बात करते हैं कि सोमनाथ में आप क्या खा सकते हो। सोमनाथ में आप ट्रस्ट की भोजनालय में 60 रुपीस में फुल डिश खा सकते हो और बहुत सारी रेस्टोरेंट है जिसमें आपको गुजराती डिश खाने को मिल जाएगी। तो अब तक हमने आपको जो भी जरूरी जानकारी है वो दे दी है। फिर भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए सोमनाथ टूर गाइड के बारे में तो आप मुझे कमेंट लिखकर भी बता सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको हमारा सोमनाथ का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर से लाइक करेंगे। और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टूर गाइड वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमः शिवाय। आपका दिन शुभ रहे।